सो गाइस फाइनली Ubuntu बिना सर्वर के डेस्कटॉप के लिए आ गया है। गाइस ये बहुत खुशी का मौका है क्योंकि पहले हमें Ubuntu सर्वर के अंदर डेस्कटॉप ही फाइल मतलब डेस्कटॉप इंस्टॉल करने के लिए बहुत झंझट करना पड़ता था और अभी हमें वो सब नहीं करना पड़ेगा। अभी हम सिंपली उसको सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमें Ubuntu सर्वर के साथ डेस्कटॉप ही फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आज मैं उसे बताऊंगा। और गाइस ये वीडियो एकदम एक्सक्लूसिव है। तो गाइस उसके लिए आपको सबसे पहले Raspberry Pi का इमेजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। गाइस उसकी कमांड है sudo apt install rpi-imager। तो गाइस चलिए हम स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। अब सो गाइस हम आ गए हैं अभी अपनी स्क्रीन की तरफ। अभी आपको सिंपली चूज ओएस पे क्लिक करना है और मैंने पहले से खोल रखा था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ बैक करके। अभी आपको Ubuntu के इस पे क्लिक करना है और Ubuntu डेस्कटॉप 20.10 RPI 464-bit डेस्कटॉप OS फॉर पाई Raspberry Pi 4 मॉडल विद 4GB पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ उंगली से। गाइस अभी आपको इस पे क्लिक करने के बाद अपना एसडी कार्ड चूज करना है। और गाइस अभी मुझे अपना ओएस चूज करना पड़ेगा फिर से। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। यहां पे क्लिक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी आपको सिंपली राइट पे क्लिक करना है और आपको यस पे क्लिक कर देना है। मेरा हो गया। अब यस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद आपका हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको चूज एसडी कार्ड, अपना एसडी कार्ड। अभी आपको इसे बंद कर देना है। गाइस लॉगआउट पे क्लिक करके आपको शटडाउन पे क्लिक कर देना है और आपका ये Raspberry Pi का OS बंद हो गया है, मतलब Raspberry Pi OS बंद हो गया है। अभी आपको Ubuntu से बूट करना है। गाइस उसके लिए आपको इस वाले एसडी कार्ड को हटा के वो वाला एसडी कार्ड डालना है। गाइस इसके आपने Ubuntu सर्वर में देखा होगा उसके लिए बहुत टाइम लगता था गाइस, पर आप देख रहे होंगे ये तो इतनी जल्दी हो रहा है। गाइस ये सीधे डेस्कटॉप से हमने इंस्टॉल किया है, इसके अंदर कोई भी सर्वर का झंझट नहीं है। गाइस ये इसका आर्किटेक्चर ARM64 है, जैसा कि इसका प्रोसेसर बना हुआ है। गाइस मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एक डेस्कटॉप के हिसाब से, क्योंकि आपका बूट होने में विंडोज़ भी लगभग इतना ही टाइम लेता है, इससे थोड़ा कम लेता है, पर नॉर्मल है। पर गाइस दिस इज़ द रियल बीस्ट, बिकॉज गाइस इसका बूट होने का टाइम बहुत कम हो गया है। अभी हम सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। गाइस ये आपका थोड़ी देर तक ऐसा दिखाएगा, आपको साइड में कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा ऑप्शन। अभी आपको अपना इंग्लिश अपनी भाषा चूज़ कर लेनी है, क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है। आप कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हैं गाइस, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स इंग्लिश में ही बने होते हैं, ज़्यादा वॉइस इंग्लिश में ही बने होते हैं। अभी आपको अपना इंग्लिश कौन सी वाली है वो वाली चूज़ करनी है। आपको इंग्लिश US, मैंने इंग्लिश US चूज़ करी है UK की बजाय। आप इंग्लिश नाइजीरिया, इंग्लिश घाना, इंग्लिश साउथ अफ्रीका, आप ऐसी बहुत सारी टाइप की इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। गाइस अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने पे आपको आपके नेटवर्क दिखेंगे। मैंने अपने नेटवर्क से को कनेक्ट कर लिया। अभी आपको पासवर्ड टाइप करना है अपना। अभी आपको सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको साइड में तीन डॉट्स और साइड एक वाईफाई का निशान दिख रहा होगा। अभी आपको अपने कहाँ पे हैं आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, मतलब आपको अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना है। कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता का टाइम जोन सिलेक्ट करना है आपको। ऐसा
घना है, अभी इसने मेरा पासवर्ड फिर से मांगा, मैंने डाल देना है। गैस मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम टाइप करना है, आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम टाइप करना है आगे, उसके बाद नीचे आपको अपना कंप्यूटर का नाम नेम, आपको अपना सरनेम टाइप कर देना है उसके नीचे, और आपको अपना ये यूज़र नेम को भी अपना नाम से कन्वर्ट कर देना है। मेरा नाम विनायक चौहान है। तो गाइस मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिए। अभी आपको अपना एक बेटर पासवर्ड चूज़ करना है, ये पासवर्ड मिनिमम 8 लेटर्स, या गाइस इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने इसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं की। गाइस अगर आपको बिना पासवर्ड के से ओपन करने करना अच्छा लगे तो आप लॉगिन ऑटोमेटिकली करना है, और अगर आपको पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है, आपको अपना डेस्कटॉप जैसा फीलिंग लानी है विंडोज़ जैसे, तो आपको रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन को सेव करना है। अभी आपको मेरा यूज़र नेम अभी थोड़ा खराब, मैंने अपना यूज़र नेम कैपिटल से नॉर्मल कर लिया है। गाइज मैं अभी आपको इसके टर्मिनल में एक नई चीज़ दिखाऊंगा, गाइज आप हैरान रह जाएंगे उसके टर्मिनल को देख के। गाइज अभी रात हो रही है बहुत। गाइज मैं ये वीडियो मैं 11 बजे बना रहा हूँ। गाइज अब ये चेंजेस अप्लाई करेगा अपने। गाइज इसके लिए आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। गाइस अब ये आपका बूट होगा। गाइस ये पहली बार में इतना टाइम लगाएगा, अगली बार जब ये बूट होगा तब ये बहुत कम टाइम लगाएगा। अब ये आपका सिंपली उबंटू जैसे बूट होगा, जैसे उबंटू नॉर्मल बूट होता है। अभी गाइस मैंने अपना नेम विनायक चूज़ किया था, तो यहाँ पे विनायक आ रहा है। अभी आपको जो आपने पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपको अभी लॉग इन करने के लिए डालना पड़ेगा। अभी आपका बूट होगा। वैसे बूट हो गया है। अभी आपको यस आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है। अभी आपको लोकेशन सर्विसेज को टर्न ऑन करना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आपका इंटरनेट से कनेक्ट होते ही आपका ये आ जाएगा। अगर आपने इथरनेट लगा रखा है तो आपको जल्दी आ जाएगा। अभी आपका ये ओपन हो गया ऐसा दिख रहा है। अभी मैं आपको आपको डन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, यहाँ पे क्रोमियम, टेलीग्राम, डेस्कटॉप, इंक स्पेस, प्लेक्स मीडिया सर्वर, GNU, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये सारे हैं। मैं आपको अभी उससे पहले फायरफॉक्स को ओपन करके दिखाता हूँ। उसमें मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाता हूँ। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और मेरी वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।